पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज है उसके अंदर भी इंडेक्ट होता है या नहीं सर? इसमें ऑप्शन होता है 19वें ग्रेड में जाकर, ठीक है, 19वें ग्रेड में आप अगर आप पीएमएस में 19वें ग्रेड में है तो आप एक इम्तहान देते हैं, ठीक है, 600 नंबरों का, और वो देकर आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का हिस्सा बन जाते हैं, फिर आप 20वां 21वां 22वां ग्रेड वहां पे एंजॉय करते हैं। तो सर वो जो सब्जेक्ट होते हैं वो इनके ये वो सीएसएस वाले तो नहीं होते, वो तो जो इनके अपना ऑफिशियल होते हैं और तरह का इम्तहान वो और तरह का इम्तहान होता है, लेकिन उसमें भी काबिलियत चाहिए होती है। टफ होता या इजी होता सर? यार अब की बात करो मेरे भाई, अब की बात करो, तेरा 19वें ग्रेड तक तो पहुंच गए हैं, हुण दी गल कर यार। पीएमएस मिनिस्ट्रियल के एग्जाम की बात करो सर, प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होता है? प्रमोशन क्राइटेरिया ये होता है कि 6 से 7 साल में आप 18वें ग्रेड में चले जाते हैं, और अगेन 5 to 6 ईयर्स में आप 19 में चले जाते हैं, और इसमें डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स पे, बाद बहुत लेट भी हो जाते हैं, बाद बहुत जल्दी भी हो जाते हैं। मैंने बहुत 3-3 साल में भी लोग प्रमोट होते देखे हैं, और कुछ को 8-8 साल भी लग जाते हैं। सर जब आप इसमें एक दफा लग जाते हैं ना, तो आप कहते हैं अल्लाह करे मैं 17 ग्रेड में ही रहूं सारी जिंदगी, ठीक है, प्रमोशन वाला ख्वाब क्यों सर? उसकी रीजन क्या है सर? क्योंकि 17 में आप असिस्टेंट कमिश्नर लग सकते हैं, 18 में आप असिस्टेंट कमिश्नर नहीं लग सकते। सर आप फिर डिप्टी कमिश्नर तो लग सकते हैं, उसमें सीटें बड़ी लिमिटेड हैं, वो 41 अजला है, यहाँ पे 170 तहसीलें हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो ऐसे है पीएमएस के लिए ये सेम होता है जो सीएसएस के लिए ऐसे है, ये इसके अंदर कोई डिफरेंस है? देखें टाइम, इसमें टाइमिंग्स का इशू है, मतलब पीएमएस का जो अब मिनिस्ट्रियल की बात करें तो पीएमएस मिनिस्ट्रियल का तो बहुत छोटा सा ऐसे है, इतना सा मुन्ना सा, जबकि सीएसएस का ऐसे तो 3 घंटे का होता है, 100 नंबरों का होता है, इसकी आउटलाइन भी डिफरेंट है, इसके कंटेंट का ऑर्डर भी डिफरेंट है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। हेलो सर। जी बोले बोले सर, थोड़ा सा असिस्टेंट कमिश्नर के प्रोटोकॉल के बारे में बता दो। तो प्रोटोकॉल ना पूछ, इम्तहान ना पूछ, कि इम्तहान किस तरह? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जहाजेब, कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह पाक का शुक्र सर, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है। सर जी सॉरी मैं डिस्टर्ब किया आपको, वो सर वो तीसरी बार लिख के भेजा आपको, वो जरा दर की वैल्यूएशन करके बता दो। मुझे पता था तुमने यही कहना इधर आके। सॉरी सर मैं अगर आपको डिस्टर्ब, आज आज करते हैं उसको। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बोले जी बोले। सर हम ना फिजिकल क्लास ले रहे हैं वहाँ पे स्टडी रिवर में। ओके। तो ओपन करो यार इनका। हेलो यार ये माइक ऑफ कर दें अपना, अब्दुल रहमान माइक ऑफ कर दें, और इनको कहें कि लिख के सवाल करें, ये बहुत सारा मसला हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक ऐसे हमें लिखना है, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम्स इन पब्लिक स्कूल इन पाकिस्तान। अब जब सर इसको हम लिखेंगे तो प्रॉब्लम का जो हमें सोल्यूशन देना है वो एक पैराग्राफ में देना है, या जितने पैराग्राफ में हमने प्रॉब्लम डिस्कस किए उतने पैराग्राफ में हमने सोल्यूशन देना है? टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है सर? प्रॉब्लम्स इन पब्लिक स्कूल्स ऑफ पाकिस्तान। उसने सोल्यूशन पूछा है?